बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों के पेंशन में बढ़ोतरी का जिक्र नहीं किया है, जिस पर एक बुजुर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दोनों लोग कह रहे हैं कि हम हर किसी को बढ़ चढ़ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सपनों का हरियाणा बनाना चाहते हैं, और कांग्रेस कह रही है कि हम सपनों का हरियाणा नहीं बल्कि यथार्थ करके दिखाना चाहते हैं। सबसे जो बड़ा बेसिक मुद्दा हरियाणा में है वह है बुजुर्गों की पेंशन। इस बार बुजुर्गों की पेंशन कांग्रेस का कहना है कि 5,000 रुपए देंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम इसमें महंगाई भत्ता ही जोड़ सकते हैं, पेंशन नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, हम ऐसे चाय पे चर्चा कर रहे थे उनसे बात। नमस्कार भाऊजी। भाऊजी ये बताओ कि कांग्रेस कह रही है 5,000 रुपए पेंशन देंगे, आपको लगता है कि 5,000 रुपए पेंशन लेनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, सभी बुजुर्गों को मिलनी चाहिए? इतना खर्चा तो बुजुर्गों का है महीने का। अच्छा। वो भी दवाई बूटी कोई समस्या आ सकती है, तो इतनी बढ़ जाए तो फिर तो खुशी है खुशी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम पेंशन नहीं बढ़ा सकते, हम हमारे पास जो है अगर बढ़ाना है तो हम खाली महंगाई भत्ता बढ़ाएंगे, तो क्या लगता है कांग्रेस का जो 5,000 रुपए वो ज्यादा काम करेगा इस चुनाव में? हाँ वो तो कम करेगा, पर बात यह है ना, जब महंगाई भत्ता भी बढ़ गया तो 5,000 भी कुछ नहीं है, फिर तो महंगाई भत्ता तो उतने घटा पावा, हर एक चीज महंगी है। यहाँ की पब्लिक पर असर है। यहाँ के जो विधायक हैं आपके कालका सीट से, लतिका शर्मा, कभी आप मिले उनसे? मैं कभी नहीं मिला, कई बार मन ने कहा भी मिले पर नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, जब हॉस्पिटल जाना डेली दुए तीजे दिन दवाई लेनी, थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। कल ये एक बुजुर्ग एक वृद्ध की आवाज है, उनको लगता है कि जो सरकार पेंशन के रूप में पैसा देती है वो उनकी अपनी स्वामी अपनी संपत्ति अपनी पूंजी है और अपना ही पैसा है, वो अपने आजादी के साथ कहीं भी खर्च कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये साफ है कि वो बुजुर्गों को पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर रही, अगर बढ़ाएगी तो मात्र महंगाई भत्ता। उधर कांग्रेस ने 5,000 रुपए का लॉलीपॉप थमाया है, कांग्रेस कह रही है कि वो 5,000 रुपए पेंशन देगी। अब बुजुर्ग ये तय करने में लगे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस को चुने जो 5,000 रुपए देगी, या वो बीजेपी को चुने जो 2,000+ महंगाई भत्ता देने की बात कह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, कालका, हरियाणा।